आज हम आपको डेफिनबेकिया प्लांट के बारे में बताएंगे, इसकी इसको डेफिनबेकिया को किस तरीके से कटिंग से तैयार किया जाए और इसकी टाइप के बारे में बताएंगे कि कितने तरह का है। मेरे पास देखिए ये एक डेफिनबेकिया का ये प्लांट है, ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसको ज़्यादा एनवायरनमेंट नॉर्मल चाहिए, ना ठंड की ज़रूरत है इसे, ना ज़्यादा गर्मी में ये टिकता है। और इसे घर के अंदर रखा जाता है, इंडोर प्लांट है। मैं इसे अंदर रखती हूँ और अंदर से आज दिखाने के लिए मैं आपको बाहर लेके आई हूँ इसे, और ये रूम में अंदर रखती हूँ। और ये बहुत ही अच्छा प्लांट लगता है, लेकिन थोड़ा सा इसको क्या है कि बच्चों से दूर रखा जाना चाहिए और पेट्स से दूर रखना चाहिए, क्योंकि ये जो प्लांट है ये थोड़ा सा पॉइजनस प्लांट है, पॉइजन होता है इसमें थोड़ा, तो वो उनके लिए हार्मफुल है। और अभी मैं आपको इसकी कटिंग से किस तरीके से इसे उगाया जाए इसके बारे में बताती हूँ। ये देखिए, ये मेरा प्लांट काफ़ी बड़ा हो गया था तो बंदरों ने तोड़ दी, तो गिरा दिया था इसे, तो ये यहाँ से टूट गया था इस जगह से। तो जो यहाँ से टूटा था उसको मैंने अलग से एक गमले में सीधे डायरेक्ट लगा दिया और वो नीचे लगा हुआ है, वो भी चल निकला। और ये डंडा जो है वो इसका यही रह गया था, मैंने इसे छेड़ा नहीं। और ये देखिए, ये यहाँ से उग गया। ये देखो, इसका मदर प्लांट ये है और उसके साइड में ये वाला प्लांट है, आप देखिए दिख रहा होगा है ना। और ये यहाँ से अपने आप उग गया। अब मैं आपको कटिंग से बताना चाह रही हूँ। तो देखो, ये जो है ना हमारे, ये देखिए, ये जो नोट, ये नोट्स हैं, ठीक है, इनसे ही ये प्लांट आगे डेवलप होता है। तो अब हम यहाँ से, मैंने इसमें पहले ही डिटॉल लगा लिया है, आप चाहो तो हाइड्रोजन परऑक्साइड अगर आपके पास है तो उससे भी आप अपने इसको सही कर सकते हो। जैसे मैंने अब इसे यहाँ से लिया, एक में ही कट जाना चाहिए, ये एक मैंने ये लिया, ठीक है। अब इनको, ये जो दो हैं, ये जो मैंने दो लिए हैं, इनको या तो मैं सीधा, इनको या तो मैं सीधा लगाऊं। देखिए, इसका ये जो मैंने यहाँ से काटा है तो ये पोर्शन ऊपर है, हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो ये वाला पोर्शन है, जो ऊपर वाला है वो ऊपर रहना चाहिए और जो नीचे वाला पोर्शन है वो नीचे रहना चाहिए, अदरवाइज आपका प्लांट नहीं लगेगा। अब जैसे मैं इस वाले प्लांट को लगाना चाहूँ तो ये मदर प्लांट से मैंने यहाँ से लिया है ना, तो ये ऊपर वाला पोर्शन है, इसको मैं इस वाले प्लांट में लगा देती हूँ, यहाँ जगह है, इस वाले प्लांट में आपके सामने लगा देती हूँ। तो इसको मैंने, देखो ये मैंने डायरेक्ट सीधा इसकी दो तीन ये जो नोट हैं इनको अंदर लिया जाए और इसको लगा दूँ, ठीक है। ये थोड़ा पानी ज़्यादा दे दिया है इन्होंने, ये देखिए, यहाँ से मिट्टी लेके मैंने इसे अच्छे से दबा दिया, ये अच्छे से दब गया, ठीक है। ये प्लांट एक एक, इसको इस तरीके से भी लगाया जा सकता है कि जैसे ये है नोट्स, तो इनको यूं आड़ा, इनको यूं आड़ा भी रखा जा सकता है। देना ये नाइफ, देना एक मिनट, ये यहाँ से, ये देखिए, ये थोड़ा सा यही लगा, इसलिए लगा रही हूँ, इसी में ही लगा रही हूँ क्योंकि इसको जितने पानी की ज़रूरत है उतना ही इसको मिलना चाहिए। अब देखिए, मैंने ये यहाँ रख दिया, इसको मैंने आड़ा लगाया है और इसको ढक दीजिए, अब ये यहीं से उग जाएगा। और इसमें थोड़ी सी मिट्टी डाल दीजिए अगर आपको ऐसा लग रहा है, इसको अच्छे से, मतलब यहीं से फूट उठेगा ये, जैसे देखो आप देखोगे तो ये यहाँ भी, ये भी फूट रहा है, ये देखिए, ये भी इसी तरीके से, ये भी निकला हुआ मदर प्लांट से, तो ये यहाँ से फूट जाएगा, यहीं से ही इसमें डेवलपमेंट हो जाएगा। अब मैंने एक आपको तरीका बताया कि इसको, एक तो सीधा, जब ये डेवलप हो जाएंगे इसका मैं आपको अपडेट दूंगी ये कितना बड़ा है, ये बिल्कुल अलग है। एक ये मैंने सीधे तरीके से लगाया है, इसमें मैंने ये ध्यान रखा है इस वाले में कि जो ऊपर का पोर्शन है वो ऊपर होना चाहिए और जो नीचे वाला पोर्शन है वो नीचे होना चाहिए, तभी आपका प्लांट लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। और ये मैंने अच्छे से इसमें लगा दिया है। और एक मैंने आपको दिखाया हॉरिजॉन्टल रख के, मतलब कि आड़ा रख के, और मैंने इनको इन्हीं में लगाया है जिससे कि इसको जिस तरह का एनवायरनमेंट चाहिए वैसा इसको यहाँ मिल जाएगा। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे पास में ये चार तरह के प्लांट हैं। एक डेफिनबेकिया का ये है, एक डेफिनबेकिया हमारा ये है, बहुत ही प्यारा है, मैंने ये अंदर रख रखा था ड्रॉइंग रूम में, और इसका कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा लगता है। एक डेफिनबेकिया में देखो, ये इसमें छीट से टाइप की, देखो ये इस तरह से आती है,
ये देखो जहाँ पे सूरज की रोशनी पड़ी वहां पे देखो इस तरह का वो आ जाता है, छीट छीट से टाइप में। एक डेफिन बेकिया मेरा ये है, बहुत ही खूबसूरत लगता है ये प्लांट। और चूंकि ये जहरीली गैसों को एब्जॉर्ब करता है।